नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों, भारत में पति पत्नी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपसी विवाद में फंस जाते हैं, जिसके कारण वह तलाक का रुख करते हैं। तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कानूनी रूप से विवाह को खत्म कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दो तरह की तलाक की व्याख्या की गई है। एक तलाक जिसमें पति पत्नी के खिलाफ या पत्नी पति के खिलाफ फाइल करती है। दूसरा तलाक होता है म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक फाइल किया जाता है, यानी आपसी सहमति से पति पत्नी कोर्ट में तलाक की पिटिशन फाइल करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक कैसे लिया जाए, इस प्रक्रिया को बताया गया है। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सबसे पहले प्रश्न आता है कि किस कोर्ट में केस फाइल करें और क्या प्रोसीजर रहेगी। आइए जानते हैं विस्तार से प्रोसीजर और कोर्ट्स के बारे में। पारस्परिक तलाक की प्रक्रिया। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त याचिका संबंधित परिवार अदालत में दायर की जाती है। तलाक याचिका में दोनों भागीदारों के संयुक्त बयान शामिल होते हैं कि उनके द्वारा असहनीय मतभेदों के कारण वे अब एक साथ नहीं रह सकते और उन्हें तलाक दिया जाना चाहिए। इस बयान में संपत्तियों, बच्चों के हिरासत आदि को विभाजित करने का भी समझौता होता है। पहले प्रस्ताव में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाते हैं और फिर माननीय न्यायालय के समक्ष पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद सुलह के 6 महीने की अवधि दी जाती है। माननीय अदालतें दंपत्ति को अपना मन बदलने के लिए एक मौका देती हैं। इसे अंग्रेजी में कूलिंग पीरियड भी कहा जाता है। पहले प्रस्ताव के 6 महीने या सुलह अवधि के अंत तक यदि दोनों पक्ष अभी भी एक साथ आने के लिए सहमत नहीं होते तो दोनों पक्ष अंतिम सुनवाई के लिए दूसरे प्रस्ताव के लिए उपस्थित हो सकते हैं। हाल ही के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 6 महीने की अवधि अनिवार्य नहीं है और अदालत के विवेकाधिकार के आधार पर अवधि में छूट दी जा सकती है। भारत में कानून की समझ न होने के कारण जब भी कोई दो व्यक्ति कोर्ट में जाते हैं तो कई बार उन्हें नोटरी स्टाम्प पेपर पर तलाक दिलवा देते हैं। हम आपको बता दें, स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर तलाक नहीं लिया जा सकता। तलाक लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है और कोर्ट को ही पावर है तलाक का आदेश पारित करने का। तलाक की याचिका प्रस्तुत करते समय कई सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी, कोर्ट की फीस क्या होगी, क्या बीच में हम इस तलाक याचिका को वापस ले सकते हैं या फिर इसमें कितना समय लगेगा। आइए जानते हैं विस्तार से इन सभी प्रश्नों को। तलाक के मामले को कहां दर्ज करें? जहां दोनों साथी आखिरी बार एक साथ रहे हों, यानी जहां आप लास्ट रेसिडेंट थे, या जहां पर विवाह हुआ है। आपका जहां विवाह हुआ है आप वहां पर भी तलाक फाइल कर सकते हैं। पहले और दूसरे प्रस्ताव के बीच 6 महीने की अवधि या समय के अंतर के दौरान दोनों पक्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दाखिल कर याचिका वापस ले सकते हैं, यह बताते हुए कि वे पारस्परिक सहमति के माध्यम से तलाक लेने का इरादा नहीं रखते हैं। पुनर्विवाह करने के लिए तलाक लेना एक शर्त है। यदि आप तलाक लिए बिना पुनर्विवाह करते हैं तो यह 7 वर्ष तक के कारावास के साथ एक दंडनीय अपराध है। तलाक का आदेश प्राप्त करने के लिए पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है। ज्यादातर मामलों में पक्षों को अदालत के समक्ष पहले और दूसरे प्रस्ताव के दौरान उपस्थित होना आवश्यक है। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो आपके अधिवक्ता के माध्यम से आप अपनी पैरवी कर सकते हैं। तलाक की डिक्री पाने में कितना समय लगता है? तलाक दाखिल होने की तारीख से तलाक लेने तक की पूरी प्रक्रिया लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक की हो सकती है। पारस्परिक सहमति के माध्यम से तलाक लेते हुए दोनों पक्षों को बच्चों की हिरासत के मुद्दे को सुलझाने की आवश्यकता है। पति पत्नी संयुक्त हिरासत का भी चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। धन्यवाद।